ये दो बार तो नहीं हो गई है, ये क्रेडिट वॉर तो नहीं हो गया है? ना ना, कोई क्रेडिट वॉर नहीं है। सवाल में एक आध शब्दों का हेर फेर हो सकता है, लेकिन सारे चैनल वाले पढ़ाई कहां से पढ़का है? उस यूनिवर्सिटी का नाम बताओ। गणित आप पाता नहीं, नकल करके पास हो जाएगा सारे चैनल वाले। मैं आपसे बहुत मोहब्बत से बात कर रही हूँ, आप मुझे एक प्लस एक दो समझा दीजिए। हाय एवरीवन, आप सब लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होंगी, फूट डालो और राज करो। आज रूपिका लियाकत लाइव डिबेट में यही कर रही थी और फिर राकेश टिकेट जी को ज्ञान भी देने लगी। और यही नहीं, असल सवाल तो वीडियो के आखिर में पूछा, लेकिन हर एक सवाल का मुंह तोड़ जवाब दिया राकेश टिकेट जी ने। देखिए आप लोग, राकेश टिकेट साहब सब ये पूछ रहे हैं कि प्रभु के तेवर कहाँ चले गए। हाँ, ये कर लो पहले। दिखा देंगे, उन्हें भी टाइम आने दो, दिखाओगे कितना टाइम और लगेगा। 2020 से हमने वो तेवर आपके देखे हैं और अब वो तेवर शिफ्ट हो गया है पंजाब में। आप कह रहे हैं कि हम ग्रामीण बंद रखेंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है तो ग्रामीण भारत बंद तो हुआ नहीं, वो दुकाने भी बंद करी ने, अपने खेत में नहीं गए। हाँ। और पूरे देश में हुआ, उसे भी जरा दिखा दो कहाँ कहाँ दुकाने सब मार्केट बंद हुई और स्वैच्छिक करा, किसने कोई जोर जबरदस्ती नहीं करा। ये वैचारिक क्रांति है, ये विचार से लोग जुड़ेंगे। ये वैचारिक क्रांति की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन सरकार बात तो वहाँ पंजाब के किसानों से कर रही है, आपसे तो कोई बातचीत अभी हो ही नहीं रही है। और हमारे से होनी शुरू हो जाएगी, हम और वे भी तो किसान है, उनसे बातचीत हो रही, वो भी ठीक है। किसान तो देश का एक ही है, किसान एक ही है। तो आप उस बैनर तले उनकी मांगों के लिए आंदोलन करते हुए क्यों नहीं नजर आए? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देश में किसान संयुक्त मोर्चा जब दिल्ली से गया तो संयुक्त मोर्चा एक था। हाँ। अब उसमें से कुछ लोग अलग अलग जा रहे हैं। संयुक्त मोर्चे का आज ग्रामीण भारत बंद का आह्वान था, वो हमने किया। कल फिर एक मीटिंग सिसोली में रहेगी, उसमें कुछ चर्चा करेंगे सब्जेक्ट। तो नहीं हो गई है ये क्रेडिट वॉर तो नहीं हो गया है? ना ना, कोई क्रेडिट वॉर नहीं है। अब दो तीन ग्रुप किसान मोर्चे में बने हुए हैं, खास करके पंजाब की जो जत्थेबंदी है। हाँ। उसमें दो तीन ग्रुप हैं, उसमें से एक ग्रुप ये भी है जिन्होंने दिल्ली की कॉल दी, आपसी सहमति नहीं बनी, लेकिन जो किसानों के साथ अत्याचार हुआ है हम सब उसके साथ में हैं। नहीं तो सब आप साथ में, मेरे समझ में आ रहा है, लेकिन आप बंद अलग बुला रहे हैं, वो दिल्ली चलो अभियान अलग चला रहे हैं, ये आप लोगों ने मिलजुल कर स्ट्रेटजी है या फिर ये क्रेडिट का वॉर है कि नहीं, राकेश टिकैत का नाम खो जाएगा, पंडेर साहब को कोई पूछेगा नहीं, इसीलिए अब अलग अलग अपने मोर्चे खड़े कर दो। अलग अलग पहले से ही अलग अलग है, सब एक जगह नहीं बैठते, कई बार बातचीत हुई भी है। हाँ। और सबने अब अपनी कॉल दी है, उन्होंने दिल्ली की दी, लेकिन उनके साथ में जो अत्याचार हुआ है वो गलत है, उसके साथ में हम उस मूवमेंट के साथ में हैं। समझ रहे हैं ना आप, लेकिन सुन के अच्छा लगा। सवाल ये है कि जो आपकी मांगे हैं क्या वो जायज मांगे हैं? मतलब जिस देश का बजट ही 45 लाख करोड़ के आसपास, आपकी मांगे पूरी करने करने में दम नहीं फूल जाएगा? बहुत तेज हो रहा है, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अगर ये सवाल आपके होते, ये सवाल अगर चैनल वालों के होते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। चलो, सवाल में एक आध शब्दों का हेर फेर हो सकता है। हाँ। लेकिन सारे चैनल वाले पढ़ाई कहाँ से पढ़का है? उस यूनिवर्सिटी का नाम बताओ। मैं बता देती हूँ, उस यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो यूनिवर्सिटी में बता देती हूँ, वो है भारत की यूनिवर्सिटी। आप सुनिए ना, जैसे जय जवान जय किसान आपको हर एंकर के मुंह पे नजर आएगा राकेश जी, वैसे ही वैसे जय हिंद जो है वो भी सबके चेहरे पर और सबके मुख पर नजर आएगा। अब मुझे भाई आपका मेरा घर है ना, ये राकेश जी सुनिए ना, हिंदुस्तान आपका भी घर है, मेरा भी घर है राकेश जी, है कि नहीं? आप पहले बताइए, पहले ये बताइए ना, अब घर में अगर एक शख्स कह रहा है मैं आंदोलन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, घर की कमाई है, घर की जो कमाई है उसका खर्चा है 100 रुपया, सुनिए ना, अब उस 100 रुपए में आप कह रहे हैं मेरी मांगे पूरी करो और वो 100 रुपए पूरे नहीं पड़ रहे हैं, तो बाकी लोग भी तो पूछेंगे ना आपसे
क्या आपकी ये मांगे जायज है कि नहीं है? अभी पता चलेगा। हम बता तो रहे, आप सुन तो लो। हाँ, गणित आप पाता नहीं, नकल करके पास हो जा रहे सारे चैनल वाले। गणित कैसे नहीं आता? 18 लाख करोड़। राकेश जी ऐसे मत कीजिए ना, मैं आपसे बहुत मोहब्बत से बात कर रही हूँ, आप मुझे 1+1 दो समझा दीजिए। हाँ समझा तो रहा, जब सुनोगे तभी तो समझाऊंगा। हाँ। मैं सारे को सुबह से यही तो समझा रहा, आप पढ़े पढ़ाए हो और वही बात बोल लो सारे। अब सुनो बात। हाँ। हमने कहा है MSP गारंटी कानून चाहिए, ठीक। उसमें सरकार को जो खरीद करनी है जितनी, वो सरकार खरीद कर ले। उसमें हमने ये नहीं कहा कि सरकार पूरे उसकी खरीद करे, जो व्यापारी खरीद करेगा। हाँ। व्यापारी उसके कम पे खरीद नहीं करेगा। ये देश में MSP गारंटी कानून आप बना दे। यही जब SKM की मीटिंग होती थी, जब भारत सरकार से 3 साल पहले बातचीत होती थी। हाँ। यही सवाल उस टाइम पे भी कहा था, कानून जब बन जाएगा जिस व्यापारी को अनाज खरीदना वो खरीद ले, उसको अगर नुकसान है उसका व्यापार बंद कर। वो जिस यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं ना, उस यूनिवर्सिटी में एक और चीज जो आम जनता आपसे पूछना चाहती है और उसकी पढ़ाई हम करके आए, वो ये है कि आप बात कर रहे हैं धान की, आप बात कर रहे हैं गेहूं की, आप बात कर रहे हैं तिलहन की, दलहन की, बाकी दूसरी चीजों का क्या? दूध उत्पादन नहीं होता है क्या? वो किसानी नहीं है? अंडा जो मछली जो बेची जाती है वो किसानी में नहीं आता है क्या? तो और आप ये 22 और 23 जो क्रॉप्स के MSP को मांग रहे हैं वो कितना प्रतिशत है? बमुश्किल 23% है, तो बाकी बचा कहाँ गया? बाकी किसान क्या करेंगे? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हमने ये कहा कि पहले जितना है उस पर कर दो, जिस पे MSP है, जितने भारत सरकार पे MSP तय किया है पहले उस पर कर दो, दूसरी चीजों पे भी होनी चाहिए और भी MSP पे जोड़ी जानी चाहिए। लेकिन सरकार बैठ कर बातचीत तो करे। ये सरकार क्या है? ये तो वो वाली बात। अगर ये सरकार, हाँ पहले आप, अगर ये सरकार BJP की होती, हाँ, ये सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी की होती तो ये जरूर बातचीत करती हमसे। हाँ। ये सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी की ही नहीं। अच्छा। ये सरकार देश में पूंजीपतियों की एक सरकार है, उनका एक गिरोह है, गैंग है पूंजीपतियों का। जो पूंजीवाद है उसने एक कब्जा कर लिया देश पे, उसने एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। क्या ये आंदोलन इसलिए है क्योंकि मोदी का ग्राफ राम मंदिर की वजह से बढ़ गया है और उसे नीचे लेकर आना है? आखिरी सवाल का जवाब अब है ना लाइन पे। राम को कहां सवाल आ गया? ये राम को, ये आप बहस इस पर करो कि राम, ये राम को नहीं मानते, आज देख कुछ और किसी को नहीं मानते, हम इस सवाल पर जाते ही नहीं। हमारा इशू है गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, उनका इशू है, हमारा तो वो इशू है। बल्लेवाल साहब ने कल कहा था ना राकेश जी, इसीलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ। उन्होंने कहा था कि ग्राफ बढ़ गया है, उसे जल्दी नीचे लाना है, वक्त कम है। चल झूठा, हमारा किसी ग्राफ को बढ़ाने का घटाने का कोई सवाल नहीं, हमारे अपने इशू है और देश की सरकार इसको समाधान करेगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।